एक दर्द भरी प्रेम कहानी, अपनों का अनोखा प्यार। एक लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। जितनी वह खूबसूरत थी उतनी ही ईमानदार थी। न किसी से झूठ बोलना उसको पसंद था, न किसी से फालतू बातें करना, बस अपने काम से काम रखना। उसकी क्लास में एक लड़का पढ़ता था। वह लड़का मन ही मन उस लड़की को बहुत प्यार करता था। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत ही छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन कर उससे नीचे गिर रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लड़की को इतने करीब पाकर लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। लड़के ने लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन लड़के को प्यार करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई। और इस तरह दोनों का प्यार आगे बढ़ता चला गया। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी। लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज होकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर लड़के से निपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की पेड़ के सहारे सिर लगाए बैठी थी। लड़का उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, अब तुम्हारी तन्हाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल मुझे 100 साल के बराबर लगते हैं। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। फिर वह कुछ सोचता हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। लड़का थोड़ा टेंशन में था। लड़की ने पूछा, तुम आज इतनी क्या टेंशन ले रहे हो? तभी लड़का बोला, जान मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तो मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम
चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लड़की का भेजा हुआ गिफ्ट लड़के को जरूर मिला। लड़के ने अपने कांपते हाथों से उस गिफ्ट को खोला। उसे देखते ही लड़का बेहोश हो गया। गिफ्ट पैकेज में और कुछ नहीं, कौन से लथपथ लकड़ी का दिल रखा हुआ था और एक साथ ही में प्यारी सी चिट्ठी लिखी हुई थी, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं। कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत, पर क्या प्यार गलत होता है। नहीं तो मित्रों, प्यार करो लेकिन खिलवाड़ मत करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।